हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो नेचर और खूबसूरती से भरी हुई है। तितलियाँ और बर्ड किसको पसंद नहीं है, इसीलिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे पौधे जिन पे तितलियाँ और जो हमिंग बर्ड है वो खुद चल के आती है। तो ऐसे प्लांट के बारे में जानने के लिए वीडियो पे बने रहिए और आगे मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से प्लांट है जिन पे हमिंग बर्ड और बटरफ्लाई सुबह रोज आती है खाना लेने के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पैंसी फ्लावर की। पैंसी फ्लावर सर्दियों में उगने वाला प्लांट है। इसको 20 से सितंबर से अक्टूबर के बीच में लगाया जाता है। धूप इसको सर्दियों की धूप अच्छी लगती है। फूल का रंग इसका नीला, पीला, गुलाबी, लाल, सफ़ेद आता है। फूल खिलने का इसका समय है वसंत, गर्मी, सर्दी और पतझड़ के अंदर। विशेषता इसकी तितलियों को आकर्षित करना। जीनिया फ्लावर ये भी बीज से उगता है और बीज लगाने का इसका समय है फरवरी से मार्च के बीच में। धूप इसको गर्मियों की धूप अच्छी लगती है। फूल इसका पीला, गुलाबी, नारंगी और मल्टी कलर में आता है। फूल खिलने का समय इसका मई से अक्टूबर के बीच में है। विशेषता इसकी तितलियों को आकर्षित करना। कॉसमॉस फ्लावर ये भी गर्मियों में उगने वाला प्लांट है और बीज से इसका लगाने का टाइम है फरवरी से मार्च के बीच में। धूप इसको गर्मियों की अच्छी लगती है। फूल लगभग सभी कलर में आते हैं। फूल खिलने का समय इसका मई से अक्टूबर के बीच है। विशेषता इसकी तितलियों को आकर्षित करना। एल्यूशियम फ्लावर बीज से इसको लगाने का समय सितंबर से अक्टूबर के बीच में है। धूप इसको सर्दियों की धूप अच्छी लगती है। फूल इसका सफ़ेद, पीला, गुलाबी, बैंगनी कलर का आता है। फूल इसका दिसंबर से जून के बीच में खिलता है। विशेषता इसकी तितलियों को आकर्षित करना। अब बात करते हैं डेंथ्रस फ्लावर की। बीज से इसका लगाने का टाइम है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। धूप इसको सर्दियों की धूप अच्छी लगती है। फूल इसका सफ़ेद, लाल और गुलाबी और मल्टी कलर में आता है। फूल खिलने का इसका समय है दिसंबर से जून का। विशेषता इसकी है तितलियों को आकर्षित करना। हमिंग बर्ड का नाम आपने पहले नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूँ कि दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है जो अपने इंडिया में पाई जाती है। और मैं आपको ऐसे पौधे बताने वाला हूँ जो हमिंग बर्ड को आकर्षित करते हैं। पेटोनिया फ्लावर बीज लगाने का इसका टाइम है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। धूप इसको सर्दियों की धूप अच्छी लगती है। फूल इसका सभी रंगों में चटकीले, गुच्छेदार आता है। फूल खिलने का इसका समय नवंबर से मार्च के बीच है। विशेषता इसकी है हमिंग बर्ड को यह आकर्षित करता है। हमेलिया प्लांट बीज से लगाने के बजाय इसको कटिंग से लगाया जाता है और इसको कटिंग लगाने का इसका समय है मानसून के अंदर, यानी कि बारिश के मौसम में। धूप इसको गर्मियों की धूप अच्छी लगती है। फल इसके छोटे लाल रेशेदार आते हैं। फल का समय इसका अप्रैल से अक्टूबर के बीच में और विशेषता इसकी हमिंग बर्ड को आकर्षित करना। हिबिस्कस फ्लावर यानी कि गुड़हल का पौधा ये आपके आसपास आसानी से मिल जाता है और इसको कटिंग से लगाया जाता है। कटिंग से इसका लगाने का टाइम है जुलाई से सितंबर के बीच में। धूप इसको गर्मियों की हल्की धूप अच्छी लगती है। फूल इसका सफ़ेद, लाल, गुलाबी और मल्टी कलर में आता है। फूल इसका खिलने का समय मार्च से सितंबर के बीच में। विशेषता इसकी है हमिंग बर्ड को यह आकर्षित करता है। अगर आपको इन सभी फ्लावर की सीड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप ऑनलाइन जाके वो सीड खरीद सकते हैं। और अगर सीड का मेरा आपको पहला वीडियो देखना है तो मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, मैं उसको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो सीड की क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं। फ्लॉक्स फ्लावर बीज से इसको सितंबर से अक्टूबर के बीच में लगाया जाता है। धूप इसको सर्दियों की हल्की धूप अच्छी लगती है। फूल इसका सफ़ेद, लाल, गुलाबी और मल्टी कलर में आता है।
फूल खिलने का इसका समय दिसंबर से अप्रैल के बीच में, विशेषता इसकी हमिंग बर्ड को यह आकर्षित करता है। आयरिश फ्लोवर, इसको भी बीज से लगाया जाता है और बीज का इसका लगाने का समय है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। धूप इसको सर्दियों की हल्की धूप अच्छी लगती है। फूल इसका सफ़ेद, लाल, गुलाबी और मल्टी कलर में आता है। फूल खिलने का इसका समय है दिसंबर से अप्रैल और मानसून में, विशेषता इसकी है हमिंग बर्ड को यह आकर्षित करता है। इस वीडियो में बताए गए प्लांट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो हमिंग बर्ड और बटरफ्लाई को आकर्षित करते हैं। अगर आपके घर पे भी पहले से वो पौधे लगे हुए हैं तो मैं इनको डिस्क्रिप्शन में उसका नाम दे दूंगा, ताकि आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं कि ऐसे और कौन से प्लांट हैं जो हमिंग बर्ड और बटरफ्लाई को आकर्षित करते हैं।